चंडीगढ़ के जहां पर चौथी ज्वाइंट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन टीम ने 5 की मीटिंग का आयोजन किया। इस मीटिंग में उत्तरी राज्य के सभी आला अधिकारी शामिल हुए जो अपने अपने राज्य में साइबर क्राइम से जुड़े मामलों को डील करते हैं। मीटिंग के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए डीजीपी परवीर रंजन ने बताया कि इस मीटिंग में साइबर क्राइम से जुड़े सभी मसलों के बारे में विचार विमर्श किया गया, जिसके बारे में आम जन का जागरूक होना बेहद जरूरी है। इसके साथ ही पुलिस अधिकारियों को किस किस तरह की ट्रेनिंग दी जाए, किस किस तरह का बर्ताव किया जाए, हर राज्य में अलग अलग साइबर सेल बनाया जाए और फॉरेंसिक टीम को किस तरह से हाईटेक बनाया जाए, इन तमाम मसलों को लेकर मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। स्टेट्स हैं जिसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान, इन स्टेट्स की एक कंबाइंड ज्वाइंट साइबर कोऑर्डिनेशन टीम 5 जो गृह मंत्रालय ने बनाई है, आज उसकी चंडीगढ़ में बैठक हो रही है, सालाना बैठक। ये लास्ट ईयर भी हम लोगों ने चंडीगढ़ में होस्ट किया था। इसमें सभी स्टेट्स के ऑफिसर्स जो साइबर क्राइम को डील करते हैं और जो साइबर इश्यूज को डील करते हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके अलावा जो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, आरबीआई, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और जो हमारे प्राइवेट सेक्टर के जो यूपीआईज हैं जैसे फोन पे या और भी बाकी जो लोग साइबर इश्यूज से कंसर्न हैं, उन लोगों को आज हम लोगों ने इस मीटिंग में